अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे हमने दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन है 2 माइनस के रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय डेफिनेशन। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस स्केयर रूट एक्स। उसके बाद ये हमने सबसे पहले जो भी गिवन टर्म इन एक्स हो, इन टर्म ऑफ एक्स हो एक्सप्रेशन, उसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल फर्ज कर लेते हैं। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है जो फर्स्ट स्टेप है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हम रिप्लेस करते हैं एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमारे पास क्या होगा, एक्स जहां पर भी आ रहा है उसकी जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। दो जगह पर क्यों क्या आ रहा है, तो दो जगह पर x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख लेंगे। तो f ऑफ x हमारे पास ये था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x हमारे पास फाइंड आउट हो गया। इसको मजीद हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। सेकंड स्टेप में है हमने फाइंड आउट करना है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अगर इसको हम 2 का नाम दें तो 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। यहां पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आएगी क्योंकि हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पहले लिख रहे हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो है 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट एक्स और माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की। थर्ड स्टेप में हमने यही फाइंड आउट करना था एफ ऑफ एक्स, सेकंड स्टेप में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट हो चुका है लेकिन इसको भी सिंपलीफाई करना बाकी है क्योंकि दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में आ रही हैं। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम इसके फैक्टर से, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से, तो वो काम हम करते हैं स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसी से डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। रैशनलाइजिंग फैक्टर मीन अगर दो टर्म्स सर्ड ऐसा आ रहा हो, बायनॉमियल सर्ड आ रहा हो, तो उसके दरमियान वाला साइन जो है उसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जिस टर्म से करते हैं उसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। इसको सिंपलीफाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पर यह टर्म ए माइनस बी और ए प्लस बी की तरह बिहेव कर रही है, तो ए की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स आ रहा है, तो स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और बी की जगह हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ रहा है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और डिवाइड में क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वाली टर्म इसके साथ यानी कि नीचे कुछ भी ना हो तो वन होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हम ओपन करेंगे इसको, x माइनस डेल्टा एक्स आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पर माइनस एक्स और प्लस एक्स हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, तो ये लेफ्ट साइड हम क्या मालूम कर चुके हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास निकल चुकी है माइनस डेल्टा एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सेकेंड स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है कि हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट भी कर लिया और उसको सिंप्लीफाई भी कर लिए। आफ्टर दैट हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स पर, लेफ्ट साइड में भी किया राइट साइड में भी करेंगे। राइट साइड में जो टर्म आ रही है अभी एज इट इज लिखी है, क्योंकि डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है तो डेल्टा एक्स डिवाइड हो जाएगा, ओवर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ डेल्टा एक्स हमने लिख लिया, डेल्टा एक्स काम कैंसिल हो जाएगा डेल्टा एक्स के साथ, यानी कि डिवाइड हो जाएंगे दोनों आपस में, हमारे पास यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो हमारा ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट लेनी होती है डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो लिखेंगे हम टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और राइट साइड में भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 बच गया था हमारे पास, नीचे एक्स प्लस के रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इस टर्म को हम एफ प्राइम एक्स कहते हैं, और यहाँ पर माइनस 1 ओवर स्के रूट एक्स, यहाँ पर लिमिट जब पुट होगी तो x प्लस डेल्टा x की जगह 0 आ जाएगा, तो हमारे पास स्क्वायर रूट x बचेगा, यानी कि प्लस 0 के बाद ये x प्लस 0 x ही हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट x बचेगा। तो नीचे दो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, ये 2 स्क्वायर रूट x बच जाएंगी। तो ये इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय एबनिशियो मेथड। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया तो डेरिवेटिव स्कोर निकल आया।